आज शाम या कल सुबह तक इनकी भी छापे नहीं पड़ते हैं तो फिर चाहे तो सतारगंज में किसानों और कच्चे आढ़तियों के बीच धान तौल को लेकर विवाद होने पर गुस्साए किसानों ने मंडी गेट के सामने धान से भरी ट्रॉलियां लगाकर रोड जाम कर दिया। हालत बिगड़ती देख प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सतारगंज उपजिलाधिकारी तुषार सैनी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुना। किसानों का आरोप था कि कच्चे आढ़तियों पर मंडी परिसर की साठ घाट से किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। तय मानकों के बावजूद भी कच्चे आढ़ती धान तौल में मनमानी कटौती कर रहे हैं और धान का भुगतान 25 दिन के बाद करने का आरोप लगाए। किसानों द्वारा आवाज उठाने पर धान तौल बंद कर देने किसानों ने आरोप लगाया कि जिससे किसानों की फसल खराब हो जाए और वो उसे औने पौने दामों पर खरीद सके। किसानों द्वारा जाम लगाने के बाद क्षेत्र विधायक सौरव बहुगुणा ने उपजिलाधिकारी तुषार सैनी की मौजूदगी में कच्चे आढ़तियों व किसानों के बीच में वार्ता की और बाद में धान की तुलाई पुनः प्रारंभ। इस दौरान विधायक सौरव बहुगुणा ने कहा किसानों व आढ़तियों के बीच जो कन्फ्यूजन उत्पन्न हुआ है उसे सुलझा लिया गया है। किसानों का कहना था कि कच्चे आढ़तियों द्वारा जो है रिटर्न में मांगा जा रहा है कि हम पेमेंट के बारे में कोई डिमांड नहीं करेंगे, तो कच्चे आढ़तियों को हमने कह दिया कि इस तरह की कोई भी डिमांड जो है वो स्वीकार्य नहीं होगी और इस आश्वासन पे जो है वो जाम खुल गया है और कच्चे आढ़तियों को हमने स्टार्ट कर दिया है कि इस तरह का कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट ना लिया जाए और अभी थोड़ी देर में कॉन्क्रीट प्रोसेस हो जाए। देखिए उसमें अलग अलग पहलू हैं, कुछ जो है जिस तरह आज का इशू आया एक तो ये है और कितनी ट्रॉलियाँ रोज खरीदी जाएँ ये है। आज हमने दोनों ही पक्षों को फिर से बुलाया है और होपफुली आज जो है एक सोल्यूशन निकल जाएगा। मिलर्स और कच्चे आढ़ती और जो हमारे किसान भाई हैं इनके बीच में कुछ कन्फ्यूजन चल रही थी, मुझे पता चला तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने दोनों की मीटिंग करवाई है, मिलर्स की भी कराई है और हमारे किसान भाइयों की भी, और आधे घंटे का समय मिलर्स ने मांगा है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है सतारगंज में धान का वापस नहीं, कहीं ना कहीं किसान कह रहे हैं कच्चे आते हमारा माल, आपको वही बताया कि माल ऐसा नहीं खरीद रहे थे, माल को खरीद ही रहे थे। पिछले चार दिन से सतारगंज में लगातार तोड़ हुई है, सैटरडे संडे को छोड़ के संडे छुट्टी थी, आज थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई है, उसके चक्कर में मैं खुद स्वयं यहाँ पर आया हूँ। मैंने दोनों से वार्ता करके उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काम कर सकते हैं।